गोमती नदी के जल को स्वच्छ एवं निर्मल रखने के उद्देश्य से आज कुड़िया घाट पर दीपदान और महाआरती का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दीपक प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही राजधानी वासियों के लिए ढेर सारी योजनाओं की सौगात देने वाली है। उन्होंने कहा कि गोमती की सफाई के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विधायक सुरेश श्रीवास्तव ने कहा कि कुड़िया घाट पर जल्द ही रिपेयरिंग का कार्य शुरू होने जा रहा है। गोमती नदी के घाटों को और सुंदर बनाने के लिए फव्वारे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने गोमती नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सभी के सहयोग की अपील की है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन शुभ संस्कार समिति की ओर से किया गया। पहले तो मैं बता दूं कि शुभ संस्कार समिति की स्थापना 2005 को 14 जनवरी को इसी घाट के ऊपर हुई थी। इसका एक ध्येय था कि हम लोग गोमती नदी को साफ रखने का एक मुख्य ध्येय था। उसमें आरती हम लोगों ने इसलिए जोड़ी कि जिस चीज़ की आरती की जाती है, पूजा की जाती है, वहाँ पर लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं, तो उस जगह साफ सफाई रखते हैं। बहुत दिनों तक ये हम लोगों ने किया। यहाँ पर हम लोगों ने मछली पकड़वाना लोगों को बंद किया। बहुत जाल हम लोगों ने पकड़े, लाके थानों में जमा किए। बहुत से जाल उन्होंने जमा करने से इनकार किए, उसको जलाया हम लोगों ने 10,000 जाल यहाँ पर। रात को 12-12 एक एक बजे लोगों यहाँ से रिपोर्ट करते थे कि मछली पकड़ी जा रही है। हम लोगों ने 2 साल बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उसके बाद में कुछ प्रशासनिक हम लोगों को सहयोग नहीं मिला। पर्यावरण चिंतक कृष्णानंद राय ने भी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है। गति धीमी कर लीजिए, जहाँ कहीं हो मोर, और सड़क सुरक्षा भाग्य पर नहीं दीजिए छोड़। सड़क पर जो है भाग्य पर नहीं छोड़ना है। और एक बैनर जो मैं पूरे शहर में पहन के चलता हूँ, ये देखिए, ये लिखा हुआ कान में मोबाइल आके गाड़ी न चलाऊं, ये बराबर पहन के चलता हूँ, इसको पीछे कर लेता हूँ, साइकिल में लाइट तो है नहीं। हमारे साथ हैं लंकेश जी, जो लंका पति रावण का किरदार निभाते हैं हर साल होने वाली चौक की रामलीला में, लेकिन असल जिंदगी में ये राम की भूमिका में हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गोमती मैया में बढ़ते प्रदूषण के लिए असली रावण कौन है। हम ही लोग हैं। गोमती की गंदगी और गोमती के अंदर जो आप इस समय देख रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम ही सब लोग हैं। अगर हम लोग ये संकल्प, हम लोग तो हरिद्वार को यहाँ पर प्रातःकाल के सफाई करते हैं, लेकिन जनता के द्वारा पूरा सहयोग नहीं मिलता है। कार्यक्रम सब लोग अलग संस्थाओं के माध्यम से आते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो जो हम लोगों को दृश्य देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। शासन प्रशासन से भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब तक हम लोग इसका संकल्प लेकर सामूहिक रूप से हम गोमती के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक गोमती की सफाई हमारी नहीं हो सकती है। गोमती हमारी जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा के साथ में इसको स्वच्छ रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। परंतु ये लोग यहाँ जो झोपड़पट्टी वाले सब आके यहाँ पर स्नान ध्यान करना तो कोई काम होता नहीं। कपड़े सब गंदे ले आते, धोया करते हैं और गंदगी करते हैं। बहुत से लोग तो जो यहाँ पर आते हैं अपने घर का सब कूड़ा मलबा भी सब इसी में फेंक जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबको जो है संगठित होना होगा और सबके सहयोग के साथ तभी हमारी गोमती का ये स्वच्छीकरण हो पाएगा। जब गोमती स्वच्छ होगी तो हमारा जीवन स्वच्छ होगा, हमारी आत्मा स्वच्छ होगी, हमारे विचार स्वच्छ होंगे। यही जल हम लोग पीते भी हैं और इसको ग्रहण भी करते हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए हमारा मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि गोमती की सफाई के लिए हम लोगों को संकल्पित होकर प्रतिदिन हर हफ्ते के रविवार को या बृहस्पतिवार को जो दिन हम निश्चित कर लें, हम लोग उसको सफाई रखें, कोई कूड़ा ना फेंकें और उसके अंदर ना कोई गंदगी करें। जब गोमती साफ होगी तो हमारा जीवन स्वच्छ हो जाएगा। वहीं संस्था के महामंत्री रिद्धि किशोर, आशीष अग्रवाल, अभिषेक खरे, अतुल गुप्ता, राधे तिवारी, विक्रांत खन्ना, राजेश आनंद, विनय माहेश्वरी, अमित गौड़, मुदित कपूर, शालू टंडन ने उपस्थित लोगों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। 14 जनवरी 2005 में नित्य माँ गोमती की आरती इसी कौंडल ऋषि आश्रम में शुभ संस्कार समिति ने प्रारंभ करी थी। 14 साल पहले हम लोग का उद्देश्य था कि माँ गोमती के प्रति लोग आस्थावान बने, इनको हम लोग बचाने का संकल्प लेकर के विगत 14 साल से कार्य कर रहे हैं। गोमती की आरती कराने का उद्देश्य यही कि लोग आरती करेंगे तो इसमें कूड़ा कचरा या गंदगी नहीं डालेंगे, उसी संकल्प के साथ हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। एक हम लोगों ने यहाँ मूर्ति बैंक बना रखा है, जो लोग मूर्तियाँ पूजन करते हैं इधर उधर पीपल के पेड़ पर रख देते हैं, उनसे आग्रह है कि
कि वो आगे मूर्ति बनेंगे, मूर्तियाँ जमा करें, जिससे हम लोग उसको भूमि विसर्जन कराते रहते हैं। हर रविवार को हम लोग यहाँ श्रमदान करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।